आज शिक्षा के बंधन से। आओ अब संघर्ष करें हम आज शिक्षा के बंधन से। आओ अब संघर्ष करें हम। आसमानों में जितने तारे खोज करें हम, आओ अब संघर्ष करें हम। आज शिक्षा के बंधन से, आओ अब संघर्ष करें हम। नया जमाना नया ये युग है, अभिलाषा का मूर्त समय है। अब सहयोग तो बहुत बहुत है, मिलेंगे उनको जो सचेत है। अपने को नव निर्मित कर ले, पढ़ लिख कर अपना हित कर ले। जीवन का अभिनंदन कर ले, पढ़ लिख कर अपना हित कर ले। आज शिक्षा के बंधन से, आओ अब संघर्ष करें हम। आज शिक्षा के बंधन से, आओ अब संघर्ष करें हम। वाला गाना सुना दे। कौन सा वाला? वही पति अनपढ़ मिल गया वाला। अरे चल हाय, हमारी अनसुईया का वो तो 10 पढ़ा है। जाने तुम का उसकी परीक्षा लेके आई हो, ऐसे ही झूठ मूठ कह दिया होगा, जब से तुम लोगों ने एक भी गाना नहीं गाया। चल दुलारी गाना सुना दे। सुना दे गाना वाला। तू सुना दे दुलारी वही वाला गाना सुना दे। अच्छा कौन सा वाला? वो अनपढ़ वाला। हां हां मैं सुना दूं। तुम सब गाओगी? सब गाओगी। चलो सुना दे। सखी पति अनपढ़ मिल गयो, जिंदी रहूं के मर जाऊं। सखी पति अनपढ़ मिल गयो, जिंदी रहूं के मर जाऊं। सखी पति अनपढ़ मिल गयो, जिंदी रहूं के मर जाऊं। सखी
अरे इसे क्या हो गया है? बस मुझे नई बहुओं के यही लक्षण नहीं भाते, ऐसी खुशी के मौके पर असगुन फैला के चली गई। तुम भी चाची बात तो समझती नहीं हो, बस कोसने लगती हो। बेचारी को गाने की बात लग गई, उसका पति बिरजू भी तो अनपढ़ ही है ना, और तुम सभी जानते हो कि आजकल उसके हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, कई बार तो भाके भी पड़ जाते हैं। बेचारे के पास खेती बाड़ी तो कुछ है नहीं, और जब से मशीनें ट्रैक्टर आए हैं तब से तो मजदूरी भी नहीं मिलती है, बेचारी गुजारा करे भी तो कैसे। अरे बहना, ये कहानी खाली उसी की तो नहीं, हमारी तुम्हारी सभी की यही कहानी है। गांव में अधिकतर तो अंगूठा टेक ही हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो अपना रोजगार कर रहे हैं, उन्हीं की चांदी है। अरे तुम तो यहाँ पंचायत खोल के बैठ गई, तुम यहाँ गाने बजाने आई हो कि अपना दुखड़ा रोने आई हो? चल फूलो, कोई अच्छा सा क्यों सुना। बनने की आएगी बरात, बन्नी शर्माए, बनने की आएगी बरात, बन्नी शर्माए, बनने की आएगी बरात, बन्नी शर्माए, शर्माए, बन्नी शर्माए। अरे रुक दुलारी, दुलारी रुक, अरे रुक दुलारी। बहना, मैंने तो तेरा मन लगाने के लिए तुझसे गाना गवाया था, मुझे पता होता कि तुम्हें बुरा लगेगा तो कभी ना गवाती। अरे रे, ये क्या, तू तो रो रही है। देख दुलारी, हम दोनों बचपन की सहेली हैं, एक ही गांव के, भाग से ब्याह भी एक ही गांव में हुआ। अरे एक दूसरे का दुख सुख हमसे छुपा थोड़े ही है, और अब तो तुझे खुश होना चाहिए। कल तू और बिज्जू सह जा रहे हो, वहां वो खूब कमाएगा और तू रानी बनकर रहेगी, क्यों? राधा, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू ये बात किसी को मत बताइयो। तू तो जानती है हम शहर जा रहे हैं, ये बात घर में बस सास ससुर को पता है और बाहर तुझे। सवेरे सवेरे चुपचाप निकल जावेंगे, अगर किसी को पता लग गया तो लोग सो बातें बनावेंगे, और शहर जाकर काम धंधा नहीं लगा तो लौट कर वापस आना पड़ेगा, और हो सकता है बहुत से लोग तो जाने में ही टांग अड़ावे। पर बहन, तुम मुझे भूल मत जाइयो, समाचार जरूर भेजती रही हो। कैसे कहूँ, ये भी तो नहीं कह सकूँ कि चिट्ठी लिखी हो, न तू पढ़ी न मैं पढ़ी। कहाँ बताओ राधा, मन बड़ा कच्चा हो रहा है, परदेश में न कोई संगी न कोई सहेली, विपत पड़ जाए तो कौन संभालेगा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है राधा। तुझे क्या चिंता, तेरा वो तो अच्छा खासा पहलवान है, संभाल कर रखना, गांव में ही बहुत सी पीछे हैं, वहाँ शहर में न जाने क्या हाल होगा। अच्छा तो तू उन्हें ही देखती रहे बे, तेरे वो भी तो देखने और सुनने में कम नहीं। अरे बहू, तेरे अपने घर में एक बूंद पानी नहीं, तो यहाँ खड़ी बात बना, जा कुआं से पानी भर ला। अच्छा बहन, चलती हूँ, कल जरूर आऊंगी। अच्छा राधा, कल याद से आ जाइयो। ले बेटा एक रोटी दे, दे रही लामा, जल्दी कर अम्मा, घी बाद में चुपड़ दो। एक और ले लो। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं ले, पीछे पड़ जाती हो अम्मा तुम्हें। भाजी तुम भी खा लो। अरे मैं तो खा के बैठा हूँ बेटा। अब तुम्हें तो ठीक है, पता नहीं शहर में अब हमें ऐसी रोटी कहाँ मिलेगी। बेटा ये तेरे शहर जाने का फैसला मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, देख यहाँ रूखी सूखी मिलती है, वहाँ चुपड़ी मिलेगी, पर यहाँ अपनी जन्मभूमि तो है, अपने लोग हैं, अपना गांव है, अब हम बूढ़े हो गए, तू ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, अब तू शहर जाने को कह रहा है। अम्मा शहर इसलिए जा रहा हूँ कि चार पैसे कमाऊंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा, अब इस बुढ़ापे में दादा को मजदूरी करते बिल्कुल नहीं देखा जाता, बीमार पड़ जाओ तो अच्छा डॉक्टर तक नहीं है यहाँ पे, फिर थोड़े दिनों की तो बात है अम्मा, देख लेना कमा के लौटूंगा और दादा के लिए एक कुर्ता और तुम्हारे लिए एक साड़ी लेकर आऊंगा। अरे बिरजू की माँ, तू बूढ़ी हो गई पर तेरे को अकल नहीं आई, अरे यहाँ रोजगार कहाँ है, देख मुंह में पड़ के बेटे को मत रोक, अरे इसका भविष्य बन जाएगा तो हमारा भी बुढ़ापा सुधर जाएगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी समझ में आए वैसा कर।
अम्मा जरा सामान बंधवा दो, सवेरे अंधेरे अंधेरे में निकल जाएंगे। ठीक है ना बाबूजी? हाँ ठीक है बेटा, मैं जरा तैयारी कर लेता हूँ। अच्छा बेटा। हाँ भैया, कैसे किलो दे रहे हो प्याज? बहन जी प्याज 20 रुपए किलो है। 20 रुपए किलो, इतना महंगा? बहन जी सुबह 4 बजे मंडी जाते हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे तो कम है, तू 20 रुपए क्यों लगा रहा है? लेनी है तो लो, एक पैसा कम नहीं होगा। नहीं नहीं ठीक ठीक लगा, बोलो कितनी प्याज दो। अरे भैया 20 रुपए किलो प्याज। अरे भैया तुम चलो अपना रास्ता लो, 20 रुपए किलो। भैया रोप का है दिखाए, हमारे गाँव में आइयो देखियो, 20 रुपए किलो क्या ऐसे लुढ़कते फिरते हैं। चलो आप रास्ता लो, कहीं कौन दे देता दिल्ली का टिकट तुम लोग। चलो चलो चलो। तो डांस ही पूरा नहीं होता, डांस फ्लोर पे तो डांस करना है, रोड पे तो डांस करना है। एंजॉय यार एंजॉय। अरे ये क्या बात है, इतना बड़ा बड़ा झब्बा लगे ने क्या कहा। महेश ने यही तो कहा था मिलने का ना, पता नहीं इतनी देर कहाँ लगा दी, समझ में नहीं आ रहा है। देखो जी मेरा तो गलो सूखे जा रहो, मुझे तो घड़ी जोर से प्यास लगी। अरे प्यास तो मुझे भी लगी है, पर पानी कहाँ है यहाँ? ये देख, देखो प्याऊ है का? हैं? हाँ ऐसे लागे तो सही। चल देखते हैं। चलो। चल आजा। तेरे लंबे लंबे केस तेरे है जड़ू, अंडे घट्टा मंडे है रे अप्पे। और भैया, ए भैया पानी पिवाओ दे। ले भाई। ये क्या कर रहे हो, गिलास से पियो ना भाई। लो ए लो, हद कर दी। लो और जी अच्छा लो, ए लो भाई पानी पियो भाई, गर्मी का मौसम है पानी पियो। और जी नहीं अच्छा और अरे वाह मोइना चाहिए। अरे ले भाई ले। ए, ए रे तेरी झाकी के मैं गोला मारूं, बांट गोपिया सनका। चला अच्छा भैया, एक निश राम राम बहुत अच्छा नाम है। राम राम भैया, राम राम भैया। बालक के फण कहां भैया हो गया? ओ भैया कहां को जा रही है, पैसे तो देते जाओ, हमारे बाल बच्चे हैं भाई, आ जा दे जाओ। बात के पैसे? अरे भैया किस बात के पैसे? अरे भैया जो पानी पिया उसके पैसे। अरे कोई बात नहीं मैं भूल जाता हूँ। आ जाओ आ जाओ ले भैया। हाँ भैया बोलो, पैसे निकालो। किस बात के पैसे भैया? अरे जो तुमने पानी पिया भाई उसके पैसे। पानी के पैसे भी लेता है कोई भैया? भैया पानी के भी का पैसे लागे? अरे भैया तुमने जो पानी पिया उसके पैसे मांग रहा हो, और क्या मांग रहा हूँ भैया? अच्छा मजाक कर रहा हूँ, पानी के पैसे लेता है। मजाक तो तुम कर रहे हो भैया, पैसे निकाल पैसे। चलो मजाक कर रहे हैं भैया। आओ भैया हमसे ही चालू पड़ा दिखा रही हो। अरे तुम जैसों को 3600 को उल्टे छुरे से मोड़ता हूँ, कैसे निकाल जल्दी। अरे अरे शर्म नहीं आती भैया तुम्हें पानी के पैसे लेते हो? अरे भगवान का डरवर कुछ है कि नहीं, पानी के पैसे लेते हो, हमारे गांव आओ, अरे नहला दे, एक मटका पानी पिला दो और 1 रुपया भी ना ले। समझे? पानी के पैसे लेते हैं, देखो तो कैसा जमाना आ गया। पैसे निकाल तो भैया, अरे अच्छा हुआ भैया महेश आ गए तुम। क्या बात है भाई? अरे बताओ पानी के पैसे लेता है कोई? पानी के कितने पैसे हुए पानी के? 3 गिलास के 1.5 रुपया लिखा हुआ है, दिखने दे क्या? अरे इतना ही पढ़ा लिखा होता तो तुम्हारे जैसे मूर्ख के सिर नहीं मार। मूर्ख होगा काम करो। अरे छोड़ो ये लो 1.5 रुपया। चलो बिरजू भैया चलो आ गए पानी पीने। पानी पानी पियेंगे। हाँ भैया हाँ अभी दे रहा हूँ। अरे भैया थक गया भैया, अरे बहुत थक गया भैया। तुम नहीं आए हम तो बता, तुम आ जाते भैया इतनी जल्दी। अरे हाँ देखो बिरजू भैया, अब ये गांव वाली आते छोड़, ये शहर है, यहाँ सब कुछ बिकता है, हवा पानी सब कुछ। अरे भैया हम मारते हो ससुर को तुम। अरे वो बात छोड़ो, देखो मैंने तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है। अच्छा? हाँ जानते हो हमारे मालिक का नाम क्या है? करोड़ी मल, करोड़ों में खेलते हैं। हाँ समझ रहे हो मेरी बात को? अरे अरे रुको लाल बत्ती हो रही है भाई। और हाँ जानते हो हमारे मालिक के लड़के का नाम क्या है? उदय। अरे भाई तुम उससे मिलोगे ना
तो तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा चलो, हरी बत्ती हो गई। चलो आओ इधर तो चलो। अबे आओ यार, बहुत काम हो लिया, थोड़ा आराम भी करते हैं। ले बीड़ी पिएगा? ये ले बीड़ी, मैं भी लगाता हूँ यार। अरे सेठ जी आ रहे हैं, चलो इधर काम कर दो अपना। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते महेश, और तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब थी ना, अब कैसा है? सब कृपा है। अच्छा तो काम जरा मन लगा के करो, ठीक है? सेठ जी एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो। मेरा दोस्त है बिरजू। अच्छा। बहुत होशियार है, गांव से आया है। अगर फैक्ट्री में उसे नौकरी मिल जाती तो आपकी बड़ी कृपा होती। अच्छा ठीक है, तो उसको अपने साथ ले आना, फिर देखेंगे, ठीक है? जी बहुत अच्छा। अरे बंद कर इसे, एक तो माल खराब कर दिया, ऊपर से मेरा घूर घूर क्या क्या देख रहा है। जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया बंग। जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पता नहीं कहाँ से आ जाते। अरे तेरे को किसने भर्ती किया था यहाँ पर? चंद्र सिंह जी, आप इस बेचारे को क्यों डांट रहे हैं? जिसने माल खराब कर दिया, देखो माल खराब कर दिया। लेकिन आप तो फोरमैन हैं, आपने इसको मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी थी। अजी हम मशीन चलाने की ट्रेनिंग क्यों देंगे, ये हमारी नौकरी में शामिल नहीं है। तो आपकी नौकरी में इसको डांटना ही शामिल है? चंद्र सिंह जी आप सीनियर वर्कर हैं, आप इसको ट्रेनिंग दीजिए। और देखिए मैं अब आपको उसको डांटते हुए ना देखूं, ठीक है? अबे उधर क्या देख रहा है, काम कर अपना। मिस्टर गुप्ता, आपको मेरी फैक्ट्री में काम करते हुए कितने साल गुजर गए, आप इस फैक्ट्री के बैकबोन माने जाते हैं, लेकिन अभी तक आपको काम करना नहीं आया। आप ठीक कहते हैं सर, पर वो वर्कर्स को बोनस देना भी तो जरूरी था। क्या जरूरी था? देखिए मिस्टर गुप्ता, आप मेरे वर्कर्स को बिगाड़िए मत। अरे आओ 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 उधर बेटा आओ। मिस्टर गुप्ता अब आप चलिए। नमस्ते, खुश रहो बेटा। पिताजी फैक्ट्री में जिसे देखता हूँ डांटता हुआ ही दिखाई देता है, प्यार से समझाना तो जैसे कोई जानता ही नहीं है, ऐसे तो प्रोडक्शन पर बड़ा असर पड़ता होगा। बेटा अभी तुम बच्चे हो, वर्कर से काम लेना धीरे धीरे सीखोगे। देखो जब तक ये तुम्हारा रौब नहीं मानेंगे तुमसे डरेंगे नहीं, और जब तक ये डरेंगे नहीं तो ठीक से काम भी नहीं करेंगे। इसी रौब की वजह से शायद बाहर मजदूर काम करने की बजाय बैठकर बीड़ी पी रहे थे। कौन पी रहा था मुझे उसका नाम बताओ, मैं एक एक की खाल उधेड़ दूंगा। शांति रखिए पिताजी, मेरे ख्याल से डांट फटकार की बजाय हमें वर्कर्स को सहयोगी की तरह देखना चाहिए, आखिर वो भी तो हमारी फैक्ट्री के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं। ये किताबी बातें छोड़ो, अरे तुम इन वर्कर्स को पहचानते नहीं हो, इसी से इस तरह की बातें कर रहे हो। खैर बेटा मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपना MBA फर्स्ट क्लास में पास किया है, और अब तो तुम अमेरिका से भी मैनेजमेंट में स्पेशल कोर्स कराए हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपनी फैक्ट्री का कामकाज संभाल लेना चाहिए ताकि मुझे भी कुछ आराम मिल सके। मैं भी यही कहने वाला था पिताजी। पिताजी मैंने पढ़ाई के दौरान नई नई बातें सीखी हैं और मैं उनको अमल में लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ फैक्ट्री एक टीम की तरह हो, जहाँ कोई किसी पर धौंस ना जमाए बल्कि सब अपना काम समझकर काम करें, और फैक्ट्री मालिक को एक डिक्टेटर की जगह पिता और बड़े भाई की तरह देखें। इसका मतलब कि तुम कलयुग में सतयुग लाना चाहते हो। भाई कौन मना करता है, करो अपने प्रयोग, पर देखना वर्कर्स को बिगाड़ मत देना, कहीं ये मेरे काबू से बाहर ही ना हो जाए। पिताजी हमारा लेदर का काम एक टेक्निकल काम है, जरा सा केमिकल कम ज्यादा हुआ और प्रोडक्ट बिगड़ा, इसलिए हमें ट्रेंड वर्कर्स की बहुत जरूरत है, और पढ़े लिखे वर्कर्स को ट्रेनिंग आसानी से दी जा सकती है। मैं चाहता हूँ कि अपनी फैक्ट्री के बिना पढ़े लिखे मजदूरों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलूं, जहाँ हर बिना पढ़े लिखे मजदूर के लिए एक घंटा शाम को पढ़ना जरूरी कर दिया जाए, और जो ना जाए उसकी तनख्वाह में से पैसा काटा जाए। वाह वाह वाह, क्या लेक्चर दिया है, वंडरफुल, एक्सीलेंट। मेरे ख्याल से तुम लेक्चरर ही क्यों नहीं हो जाते, कम से कम विद्यार्थियों का तो फायदा होगा। मैं समझता हूं कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर जो पैसा खर्च किया है वो सब कुएं में गया। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम पढ़ लिख कर इस तरह की किताबें बातें करोगे तो मैं तुम्हें कभी हायर स्टडीज के लिए अमेरिका नहीं भेजता। इन्हें पढ़ाओ के, इन्हें लिखाओ के, अरे देखना एक दिन ये शेर बन जाएंगे, शेर, और हमें ही को खा जाएंगे। रात दिन हमें कानून सिखाएंगे, अपनी मांगे रखेंगे, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। अभी भी नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने।
फिर इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा कहां से लाओगे? नहीं नहीं नहीं, मेरी फैक्ट्री में ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो फिर मैं अलग फैक्ट्री खोलूंगा। क्या कहा, तू अलग फैक्ट्री खोलेगा? अरे नालायक, मैंने सोचा था कि पढ़ लिख कर तू मुझे मदद करेगा, और मुझे मदद करने के बजाय तू मुझे अलग फैक्ट्री खोलने की धमकी दे रहा है। अलग नहीं पिताजी, मैं तो केवल काम को फैला रहा हूं। एक ही जगह दो फैक्ट्री हो जाएंगी तो हमारा कारोबार बढ़ेगा ही। मेन ब्रांच यहां होगी और नई फैक्ट्री उसकी शाखा। आप मुझे गलत ना समझें। पर बरखुरदार, नई फैक्ट्री के लिए पैसा कहां से लाओगे? मैं तुम्हारे इस वाहियात एक्सपेरिमेंट पर एक फूटी कौड़ी भी लगाने के लिए तैयार नहीं हूं। उसकी फिक्र आप ना करें पिताजी, मैं बैंक से लेकर बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत जरूरत है। उसके बिना मैं कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, तो फिर करो नया एक्सपेरिमेंट। हम भी तो देखें कि तुम अपने इस एक्सपेरिमेंट में कहां तक कामयाब होते हो। अरे छोकरा, अपने आप को समझता क्या है? मालिकों का लड़का है तो क्या हुआ? मुझे भी फैक्ट्री में काम करते करते 25 साल हो गए हैं। मालिकों का मुझ पर कितना विश्वास है ये मुझको मालूम है। मेरा नाम है चंदर सिंह, चंदर सिंह, समझे? और कितने मजदूर मेरे साथ हैं ये मुझको पता है। अरे मजा चखा दूंगा इसको। अरे छोड़ो चंदर सिंह, इन मालिकों को क्या मोह लगना। तो भाई चलो, खाने का टाइम खत्म हो गया, चलो उठो काम पे, चलो 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 चल बेहतर। अब ये बताओ, सावित्री के ब्याह के बारे में क्या सोचा है? अरे कब तक उसको घर में बैठा के रखोगे? मैंने एक जान पहचान का लड़का बताया था, अरे अच्छा पैसे वाला है, सावित्री ठाट से रहेगी। लेकिन लखन, वो पढ़ा लिखा तो नहीं, और मेरी लड़की ठहरी महासिद्धि, एक ही रट लगाए रहती, अनपढ़ से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, क्या करूं? अरे ये लड़कियां तो ऐसे ही कहती रहती हैं, तुम जोर देकर कहोगे तो मान जाएंगी। अरे घर के मालिक तुम हो या वो? ठीक है लखन, आज तुम्हारा कहा करके देखता हूं। सावित्री, ये सोहन कहां गया? अम्मा तू क्यों चिंता करती है, भैया यही कहीं गए होंगे, अभी आ जाएंगे। हाँ मैं सब जानती हूँ, नुक्कड़ पर अपने दोस्तों के साथ अड्डा जमा कर बैठा होगा। तंग आ गई हूँ इस लड़के से। जितना निकम्मा हो उतनी सयानी तू, दिन भर काम में लगी रहती है। पर बेटी अब तेरी शादी की चिंता लगी है। अम्मा अब तूने भी वही बात शुरू कर दी। सावित्री जा, मेरे लिए चाय का प्याला बना के ला। सावित्री की मां, आज लखन फिर कह रहा था लड़का बड़े घर का है, अच्छा है, पैसे वाला है, अगर हमारी सावित्री की उससे शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम क्या कहती हो? देखिए वैसे आप जो ठीक समझे करें, पर फिर भी लड़की से एक बार पूछ के देखते ना तो अच्छा था। यार लड़की से पूछूं? अरे ये पूछने पाछने का जमाना अभी मेरे घर में नहीं आया, मैं कल लखन से जाके हाँ कह दूंगा। अरे कहां मर गई तू? आई पिताजी। अब यहां खड़ी मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही, कुछ कहना है तुझे? हाँ पिताजी, मैं भी ये शादी करना नहीं चाहती, और उस अनपढ़ लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अरे तू पढ़कर क्या करेगी, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं तुझे आगे पढ़ाऊं। पिताजी मैं जो ट्यूशन से कमाती हूँ ना उससे अपना खर्चा निकाल लूंगी।
ये शादी तुझे करनी पड़ेगी, समझी? नहीं पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे बाप के सामने जबान चलाती, शर्म नहीं आती बदतमीज? क्या करने लगे हो? मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। अपन जाए नहीं सहेंगे।